अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए जानते हैं क्या सौगात लेकर आया है नए साल का नया महीना। बुर्ज हूत पाइसेंस वालों को क्या मिलेगा, क्या खोएगा, कैसी रहेगी उनकी फैमिली लाइफ, कैसा रहेगा उनका बिजनेस, उनका कैरियर, उनका लव रिलेशन, उनकी हेल्थ। तो चलिए जानते हैं जल्दी से इस वीडियो में। बात करें आपकी पढ़ाई लिखाई की, वो पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। वो पढ़ाई लिखाई में आपका मन अच्छा खासा लगेगा। खूब दिल लगाकर आप पढ़ेंगे, टीचर आपकी आपसे खुश रहेंगी, आपकी तारीफ करेंगी। आपकी पढ़ाई को लेकर जो टेंशन या चिंताएं थी उससे भी आप बाहर निकल आएंगे। बात करें आपकी बिजनेस की, तो बिजनेस में थोड़ी रुकावटें आपके आ सकती हैं। कारोबार थोड़ा रुक रुक कर आपका चलेगा। जैसा चलना चाहिए उस हिसाब से आपका कारोबार नहीं चलेगा। प्रॉफिट भी आपका इतना ज्यादा अच्छा खास नहीं होगा, बस बैलेंस बना रहेगा। पैसे भी आपके पास आते जाते रहेंगे। पैसों की आपको लेकिन हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी। कारोबार बस ठीक ठाक ही चलेगा, ना ज्यादा अच्छा रहेगा ना ज्यादा बुरा, बैलेंस बना रहेगा। अब बात करते हैं आपकी प्राइवेट जॉब करने वालों की। वो प्राइवेट जॉब में आपका अच्छा टाइम पीरियड है। नई नौकरी मिलने के भी चांसेस है। नई नौकरी आपकी इस साल लग सकती है, खासकर 14-22 से 26 तारीख तक आपकी कोई नई जॉब लगने के चांसेस हैं। नई नौकरी मिल सकती है आपको। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों की। वो गवर्नमेंट जॉब वालों को बहुत ही अच्छा खासा फायदा होगा। पैसों के हालात उनके अच्छे रहेंगे, अच्छा खासा पैसा आएगा। नौकरी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कतें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आएंगी जिससे आप बाहर निकल आएंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे हालात आपके ठीक ठाक ही रहेंगे। पैसों को लेकर कोई मुश्किलें नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ। वो फैमिली लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ही बनेगी, आपसी तालमेल बना रहेगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, आपस में तालमेल अच्छा रहेगा। फैमिली लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी इस साल बीतने वाली है। जिन हालातों से आप पिछले साल गुजर रहे थे वो सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। आपस में प्यार बढ़ेगा। बस थोड़ी बहुत आपको पैसों को लेकर दिक्कत हो सकती है, बाकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं आपकी लव रिलेशन की। तो लव रिलेशन आपका अच्छा नहीं है। दोनों पार्टनर के बीच आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, छोटी छोटी बातों पर बहस होगी, तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। तो लव रिलेशन के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। अगर आप इस रिलेशन को कायम रखना चाहते हैं तो बस यही एक चीज आप कर सकते हैं कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, अपनी बोली पर को काबू में रखिएगा, सब्र करिएगा, गुस्सा ज्यादा नहीं करिएगा, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करिएगा, छोटी छोटी बातों पर बहस मत करिएगा। अगर इस तरह आप चलेंगे तो लव रिलेशन आपका बना रहेगा, वरना ब्रेकअप हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ में आपको सांस में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की दिक्कत हो सकती है, घुटनों की तकलीफ हो सकती है, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है और डिप्रेशन होने के भी चांसेस हैं। डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बस आप अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, पेट का ख्याल रखिएगा, हेल्थ को लेकर थोड़ा आप केयर करिएगा अपनी। बाकी मिला जुला कर ठीक है आपका ये साल।